हेलो दोस्तों, अपना चटपटी रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ बेसन, शिमला मिर्च और आलू के स्टफ करके पकोड़े की रेसिपी। ये रेसिपी एकदम नई है, आप अपने घर में ट्राई करेंगे तो आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले हमारे नए नए रेसिपीज वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आलू शिमला बेसन के पकौड़े की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने शिमला को पीसेस में काट लिया है। आपको इस तरह से राउंड राउंड शेप में पीसेस में काट लेंगे और बचे हुए पार्ट को साइड में रख लेंगे। इसे बाद में हम इसका यूज करेंगे। तो सभी पीसेस हमारे राउंड राउंड शेप में कट चुके हैं। बचे हुए शेष पार्ट का हम इसे बारीक चॉप कर लेंगे। तो सारे बचे हुए शिमले हमारे चॉप हो चुके हैं। अब हम बेसन का घोल तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है 1 कप। इसमें डाल देंगे हम स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच आमचूर पाउडर। इन सभी मसालों को मिला के एक थिक घोल तैयार कर लेंगे। तो घोल की कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा, इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे। अब हम लेंगे एक पैन, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल, इसमें डाल देंगे जीरा, थोड़ी सी कटी हुई मिर्च, कटे हुए प्याज। प्याज को अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारा भून चुका है। अब हम डाल देंगे फाइनली चॉप्ड शिमला मिर्च। इसके स्वाद को इन्हेंस करने के लिए हम इस बेसन, तो बेसन यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लिया है। इन सभी को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम डाल देंगे मैश किए हुए आलू। तो आलू मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज आलू यूज किया है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर। इन सभी मसालों को अच्छे से मिला के स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो हमारा स्टफिंग तैयार हो चुका है। अब हम राउंड शेप वाले शिमला मिर्च को लेंगे। इसमें हम आलू के चोखे को स्टफ कर देंगे। तो इस तरह से सारे को हम स्टफ कर देंगे आलू से। तो मैंने यहाँ पे लिया एक कढ़ाई, इसमें लेंगे हम वेजिटेबल ऑयल। तो वेजिटेबल ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा रखना है, जिससे मेरे पकोड़े पूरी तरह से डूब सके। तो तेल हमें रखना है मीडियम हॉट। अब हमें स्टफ किए हुए शिमला मिर्च को बेसन में डिप कर लेंगे और डिप करके हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं शिमला मिर्च आलू पकौड़े फ्राई हो चुके हैं। दूसरा बैच भी हम इसका निकाल लेंगे। तो सारे हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं शिमला मिर्च के। हमारा यह रेसिपी आपको पसंद आया हो तो अपने घर पे जरूर ट्राई करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपका यह पकोड़ा की रेसिपी कैसा बना। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। धन्यवाद।